फिर दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नफीस आलम और आप मुझे देख रहे हैं मेरे अपने चैनल एक&सन्स जॉब कंसल्टेंसी पर। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। जो चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। बेल आइकन दबाएंगे तभी हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप देख सकते हैं। तो आपने थंबनेल देखे तो बहुत खुश हो गए होंगे कि अरे भाई आज तो बहुत दिल का एकदम जॉब आ गया है, बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छा कमाई है। लेकिन इसकी जो असलियत है मैं आपको पूरे इस वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। थंबनेल देख के धोखा मत खाइए, ठीक है। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। तो मैं जो आज आपको बताने वाला हूँ वो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, यहाँ पे मैं बहुत साल से रह रहा हूँ, मुझे जानकारी है इसके बारे में, मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। तो जो बताने वाला हूँ आज मलेशिया विजिट टू एम्प्लॉयमेंट का जो बात है उस पर बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप तो बहुत खुश हो गए होंगे, अरे यार बहुत अच्छा वैकेंसी है, इसमें तो अप्लाई करना है, जाना है और जॉब मिलेगा, उसके बाद वीज़ा भी लग जाएगा 3 साल का, उसके बाद मज़ा आ जाएगा, अच्छे पैसे का महीना में 40 से 45 हज़ार हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है, जॉब भी मिल जाएगी, आप सैलरी मिलेगी, लेकिन आपका वीज़ा नहीं लगेगा। ये मैं जो बात कर रहा हूँ मलेशिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मलेशिया के बारे में बता रहा हूँ, कोई भी भाई विजिट वीज़ा पर ना आए, विजिट वीज़ा पाएंगे आप फंस जाएंगे, विजिट टू एम्प्लॉयमेंट यहाँ नहीं होता है, ठीक है। यहाँ की गवर्नमेंट साफ सुथरे जुबान में बोल दी है कि जो भी विजिट टूरिस्ट पाएंगे उनका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कन्वर्ट नहीं होगा, अगर ऊपर नीचे करके हो जाएगा तो बहुत पैसे खर्च होंगे, ठीक है। एक तो आप लोगों के एजेंट वहाँ से इंडिया से बोलता है कि भाई पैकिंग का काम है, इसका काम है, उसका काम है, एक दिन का 60 रिंगिट मिलेगा, 80 रिंगिट मिलेगा, संडे को काम करोगे तो डबल होगा, पूरा महीना में काम करो तो 2200 से 2400 रिंगिट कमाओगे, एकोमोडेशन मिलेगा, आपको खाना नहीं देगा कंपनी, 8 घंटे की काम है, 2400 कमाओगे, यानी कि अगर रेट हिसाब डाले अभी का तो 17 रुपये पकड़ लो, अभी ऊपर नीचे हो रहा है, 17 रुपये पकड़ लो, 17 के 34 और ये के 200 यानी 34-40 हज़ार रुपये महीना आराम से कमा लोगे आप। अगर 5 से 10 हज़ार भी खाओ तो 30 हज़ार तो मोटा मोटी पैसा बच जाएगा। इस तरह के खाद दिखाते हैं आपको एजेंट वहाँ पर और अच्छी रकम आपसे ले लेते हैं, यानी कि इंडिया का 70 हज़ार 80 हज़ार 75 हज़ार इस तरह का रकम ले लेते हैं आपसे। अब बोलते हैं कि वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे आपको कंपनी वीज़ा लगा देगी, ठीक है। तो आपको हम एक बात बता देते हैं कि इंडियन का जो यहाँ पे कोटा है, ठीक है, वो किस किस सेक्टर में है बताते हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में है, ठीक है, प्लांटेशन सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर तो सबको मालूम होगा, प्लांटेशन सेक्टर बहुत आदमी नहीं समझेंगे, तो प्लांटेशन सेक्टर उसको बोलते हैं जो गाँच बीच लगाने का काम हुआ, साफ सुथरा काम हुआ, काट छाट करने का काम हुआ, ठीक है, यानी कि प्लांट लगाने का काम, यानी कि प्लांटेशन उसको बोलते हैं, ठीक है। जिससे यहाँ पे पम्प ऑयल, रबर ऑयल का फैक्ट्री है तो प्लांटेशन है वहाँ पे होता है, कि नारियल का पेड़ है, रबर का पेड़ है, उसको लगाया जाता है, उगाया जाता है, उसको प्लांट किया जाता है, तो वो उसकी उसमें कोटा है, कंस्ट्रक्शन में, प्लांटेशन में, रिटेल में है, ठीक है, यानी जैसे मिनी मार्केट हो गया ये सब हो गया तो इसमें आपको रिटेल में, लेकिन वो बहुत कम है। रिटेल में आ जाता है आपका टेलर शॉप हो गया, गारमेंट्स में है, ठीक है, गारमेंट्स, रिटेल्स, आपका कंस्ट्रक्शन, प्लांटेशन, उसके सर्विस, ये 5 सेक्टर में है, ठीक है। 5 सेक्टर में इंडियंस को कोटा है मलेशिया के में, जिसको उसको वर्क परमिट मिल सकता है, वो भी वर्क परमिट डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होता है मलेशिया का, जो वर्क परमिट होता है वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होता है। आपको कंपनी आप मेडिकल कराएंगे, उनका जो प्रोसेस है, सबसे पहला प्रोसेस कि आपका पासपोर्ट कॉपी, क्रोनिक पेपर्स, आप फोटो वगैरह जो है कंपनी पास आता है, कंपनी देखेगी कि हाँ बंदा ठीक है, इसका मेडिकल कराने बोलो तो मेडिकल होगा, ठीक है। और मलेशिया का मेडिकल महंगी होती है, उसका मेडिकल होता है बायो मेडिकल होता है, ठीक है। और कलकत्ता में कराएंगे तो 10 हज़ार के करीब चला जाता है, अगर चेन्नई में कराएंगे तो 6 साढ़े 6 और 8.5 के करीब पूरा पड़ता है, था बायो मेडिकल और मेडिकल मिला के, दिल्ली का भी सेम है 8.5 के करीब पड़ता है, तो ये होता है। उसके बाद मेडिकल आपका आएगा, मेडिकल आने के बाद ये लोग इमिग्रेशन में देंगे, जमा करेंगे, तो फिर इमिग्रेशन वाला कॉलिंग वीज़ा निकालेगा आपका। कॉलिंग वीज़ा जो है सिर्फ एक पेज का होता है, ठीक है, उस पर आपका नाम लिखा रहेगा, आपका पासपोर्ट नाम लिख, पासपोर्ट नंबर लिखा रहेगा, किस काम के लिए आ रहे हैं और आपका कौन सा कंपनी है, कंपनी क्या है, यानी कि वो जो कॉलिंग वीज़ा होगा 2 पेज का होगा, सिर्फ 2 पेज का, उसका 2 कॉपी देते हैं, एक कॉपी कंपनी अपने पास रखती है, एक कॉपी आपके पास जाती है, ठीक है। तो वो जो भी आपका एजेंसी, ट्रेवल्स एजेंसी एजेंट जो भी है वो उसके पास जाता है, तो वो लोग उसका जो प्रोसेस है वहाँ पे
उसके लिए NOC कराते हैं, ठीक है सर। NOC हो गया, स्टाम्पिंग हो गया, ये दो चीज़ वहाँ पे होता है। पासपोर्ट ECR रहे या ECNR रहे, ECR पासपोर्ट रहेगा तो NOC होगा, ठीक है। ECR पासपोर्ट नहीं रहेगा तो NOC की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्टाम्पिंग होगा वीज़ा, तब जाकर आपको वहाँ एक स्टिकर मिलेगा जो आपके पासपोर्ट पे लगेगा, उसमें लिखा रहेगा मल्टीपल सिंगल एंट्री वीज़ा, ठीक है, सिंगल एंट्री वीज़ा लिखा रहेगा, यानी कि आप आएंगे। उसके बाद फिर यहाँ आने के बाद आपको मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद फिर जाकर आपको दूसरा स्टिकर लगेगा जिसमें मल्टीपल एंट्री वीज़ा लिखा रहेगा, टेम्प्रोरी एम्प्लॉयमेंट पास लिखा रहेगा, ठीक है। टेम्प्रोरी एम्प्लॉयमेंट पास, TE क्या बोलते हैं, टेम्प्रोरी एम्प्लॉयमेंट पास, TEP, ठीक है, ये हो गया शॉर्टकट में, ये लिखा रहेगा, तब जाके आपका वो स्टिकर लग गया, वो लगेगा एक साल का। यहाँ पे वीज़ा जो मिलता है कम से कम 5 साल नहीं तो 10 साल, अगर आप कोई कंपनी में काम करें तो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है 2 साल या 3 साल का, लेकिन वो वीज़ा 5 साल का होता है नहीं तो फिर 10 साल का होता है। अगर आप कोई फैक्ट्री में आते हैं, जैसे प्लांटेशन में आते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में आते हैं, तो आपका 2 साल या 3 साल का एग्रीमेंट कराते हैं, या आप रेस्टोरेंट में आते हैं तो कम से कम 2 साल का एग्रीमेंट कराएंगे। तो वो एग्रीमेंट करने के बाद अगर आपको काम करना है तो कंटिन्यू आपको रिन्यूअल होगा, हर साल रिन्यूअल होता है, ठीक है। अगर नहीं तो आपका जाके आप कैंसिल करा के जाएंगे, तो वो बंद जो मालिक रहेगा वो वीज़ा को फिर से यूज़ कर सकता है, क्योंकि उसके उसने 10 साल का वीज़ा लिया है तो उसका 2 साल उसको यूज़ हुआ, 8 साल बच गया, तो 8 साल वो फिर यूज़ कर सकता है उसके। तो ये होता है आपका डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, ठीक है, इसका ये पूरा प्रोसेस है आपका, शुरू से आखिरी तक मैंने बता दिया बहुत से कम समय में। और जो विजिट एम्प्लॉयमेंट है ना, वो है ना सी बनाते हैं, सी समझते हैं ना, चूतिया बनाते हैं, ठीक है। विजिट एम्प्लॉयमेंट अगर कोई आपको बोलता है कि मलेशिया के लिए हम आपको विजिट एम्प्लॉयमेंट करा देंगे, गारंटी लेंगे, कभी मत आना, ठीक है। दुबई में होता है, ठीक है, दुबई को अगर आप जानना चाहेंगे, दुबई का खलीज टाइम्स है, उसमें आप जाके देख सकते हैं, उसकी जो न्यूज़ आती है उस पर आती है। अभी वहाँ के रोड्स ने ऑफर निकाले हैं, 6 महीने का वीज़ा है जॉब सीकर का बोल के, किसी जॉब सीकर यानी जो जॉब ढूंढने आते हैं उनके लिए 6 मंथ का वीज़ा, ठीक है। तो वहाँ पर विजिट एम्प्लॉयमेंट कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट अप्रूवल है, वहाँ पर करने देती है, यहाँ पर गवर्नमेंट नहीं करने देती। बात को एकदम साफ साफ समझिए भाई, ठीक है, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा, किसी को भला नहीं बोल रहा, ठीक है। हर कोई अपना दुकान चला रहा है, लेकिन ग्राहक को जागना पड़ेगा, जागो ग्राहक जागो। तो हम बहुत दिन से लोग हम उसमें बोल रहे थे कि भाई मलेशिया के ऊपर कुछ वीडियो बनाए, मलेशिया विजिट एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कुछ वीडियो बनाइए, तो आज मेरे पास वक्त मिला तो मैं सोचा कि चलो आज मैं आपको बना कर दिखाता हूँ। तो वीडियो को बीच में मत छोड़ के दीजिए, कोई ऐसा पॉइंट होगा जो आपको समझ में आए कि आपको कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे करना है, ठीक है। अभी सबसे पहले कि मलेशिया का वीज़ा भी क्लोज है, बंद है, ठीक है, नहीं मिल रहा है, इमिग्रेशन बंद है। जिनका पहले से ऑलरेडी वीज़ा आ चुका है, अप्लाई कर चुका है, जो कंपनी के पास कोटा पहले से है, वो सिर्फ काम कर रहा है, नया कोई एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, नया कोई एप्लीकेशन नहीं ले रहे वो लोग, ठीक है ना। ये बात का ध्यान रखें, कोई आपको बोलता है तो आपको एकदम बिंदास रहना है। आप वेबसाइट पर देख सकते हैं, या यूट्यूब पर भी आप सर्च करें तो बहुत सारी ऐसी वीडियो मिल जाएगी, लेकिन आप बेहतर है मलेशिया का कोई लोकल न्यूज़पेपर पे देखें, ठीक है। अगर मुझे कोई लोकल पेपर रहेगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो सबसे ख़ास बात है, मलेशिया में विजिट एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, मैं यहाँ करीब 7 से 8 साल से हूँ, मुझे मालूम है, ठीक है। मैं किसी भी बंदे को विजिट एम्प्लॉयमेंट मलेशिया पर नहीं बुलाता हूँ, ठीक है। जो भी बंदे जाते हैं, अगर दुबई के लिए जाते हैं तो विजिट एम्प्लॉयमेंट कराता हूँ, तो उनका वहाँ पर वीज़ा रखने की गारंटी है, सबसे पहली बात है, यहाँ पर नहीं है। जो काम होगा वही काम करते हैं हम, बाकी फालतू काम में नहीं हम इंटरफेयर करते हैं, किसी को फंसाने का काम भी नहीं करते हैं, और कोशिश करते हैं कि बचाएं, ठीक है। मेरे पहचान वाले कुछ लोग आए हैं, मुझसे रास्ता नहीं किए, आ गए हैं, अब आने के बाद फंस गए, तब बोलते हैं ऐसा ऐसा है। तो अब जब आप आ गए हैं तो क्या कर सकते हैं, जब आप आ गए हैं तो बस आपका किस्मत है कि आप जब तक बच के रहें काम करें, जैसे आप कुछ पैसा कमा लेते हैं तो और पास लें, सीधा चले जाएँ। कोई भी एजेंट के पास या कोई भी बोले कि हम 5,000 रिंगिट लेंगे या 6,000 रिंगिट लेंगे या 7,000 रिंगिट लेंगे, आपका वीज़ा लगा देंगे, तो भैया बिल्कुल ना जाइए उसके पास, आपको पैसे भी जाएंगे, आपको वीज़ा वजह भी नहीं लगेगा, फिर बाद में आपको वापस जाना पड़ेगा। तो वापस जाने का 2 तरीका होता है, एक आप खुद से सिलेंडर करके वापस लेके जा सकते हैं, दूसरा आपको इमिग्रेशन पकड़ेगा, उसके बाद फिर आपको ले कैंप में रखेगा, 2 से 2.5 महीने 3 महीने प्रोसेस होगा, अगर कोई आपका पहचान वाला है तब, नहीं तो फिर इंडिया एम्बेसी भरोसे बैठिएगा तो कम से कम 4 से 4.5 महीने लग जाते हैं। अगर आपको कोई पहचान वाला है तो 1.5 से 2 महीना में बंदा इंडिया चला जाता है, ठीक है, क्योंकि इमिग्रेशन वाले बुलाते हैं उनको कि भाई इनका टिकट दो, ठीक है। और कोई किसी का कोई रिश्तेदार नहीं है अगर मलेशिया में
इंडिया में है तो इंडिया से बोलते मेल करो टिकट। अगर कोई बंदा को अपना घर का नंबर वगैरह भी नहीं आते, मेल वगैरह भी याद नहीं है, कुछ याद नहीं है, तो भाई फिर अल्लाह मालिक है आपका, अल्लाह खैर करे, तो फिर इंडिया एम्बेसी के भरोसे रहना पड़ेगा। इंडिया एम्बेसी वाले आएंगे, नहीं तो फिर आपको ह्यूमन राइट्स वाले आएंगे, तब जाके आपकी कोई मदद होगी तो फिर आप बाहर निकल सकते हैं। ठीक है भाई, मलेशिया का जेल बहुत ही बुरा है, मलेशिया का कैंप जो है बहुत ही बुरा है। ठीक है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरे, अपने दोस्तों, अपने कुछ जानने वालों को जानता हूँ मैं जो वहाँ से रह चुके हैं, और उनको मैं टिकट वगैरह दे के निकाला हूँ। ठीक है, इसमें बहुत झमेला आता है, और किसी के आदमी ज़्यादातर मदद करने के लिए भी नहीं उतरता है, क्योंकि इमिग्रेशन वाले बहुत परेशान करते हैं, पैसे भी खाते हैं, टिकट भी लेते हैं, उसके बाद बहुत बात भी बोलते हैं, बहुत लाइन लगाना पड़ता है, दौड़ भाग इधर उधर करना पड़ता है, बहुत परेशानी होती है। मेहरबानी करके मलेशिया आप लोग विजिट टू एम्प्लॉयमेंट बोल के कोई भी आपको बोलता है तो नहीं आइए, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में आइए, नहीं तो अगर आ रहे हैं तो आप देखिए आपको मलेशिया से विजिट टू एम्प्लॉयमेंट आपको 14 दिन का ही एंट्री देता है वो। ठीक है, 14 दिन ठीक है 14 दिन के अंदर में कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, और उसमें आपका 3 महीने का पीरियड नहीं है, 2 महीने का पीरियड नहीं, 14 दिन का पीरियड है। 14 दिन के बाद आपको एक बार बाहर निकलना पड़ेगा, फिर आप एंट्री करेंगे तब जगह 1 महीना आप रह सकते हैं, फिर आपको 28 दिन के अंदर, यानी कि फिर से क्लास 14 दिन के अंदर में आपको बाहर होना पड़ेगा। तो आप ही सोचिए कोई प्रोसेस के लिए वक्त चाहिए, बिना वक्त का कोई प्रोसेस तो नहीं होता ना, तो 14 दिन के वक्त में कोई प्रोसेस होगा, नहीं होगा। तो भाई समझदारी इसी में है, अपने पैसे को जाया नहीं कीजिए, अगर जाना है फिजिकल एम्प्लॉयमेंट में जाना ही है तो दुबई जाइए, दुबई जाके अपना वहाँ पे अगर आपको कोई पहचान वाला है, कोई अच्छा बंदा है जिसको आप जानते हैं, तो उसे आप अपना काम कीजिए। मलेशिया विजिट एम्प्लॉयमेंट मत आइए, आपकी डिमांड पे, हमारे लोगों की डिमांड पे यूडी में बनाया हूँ, आपसे गुजारिश है कि आप संभाले भाई, किसी के लालच में ना पड़े। पैसे ज़्यादा मिलते हैं लेकिन क्या बोलते हैं, सेफ्टी नहीं रहता है। ठीक है, फंस जाओगे तो बुरी हाल होती है, ये मेरा फर्ज था, मैंने आपको बता दिया, अपने भाई की तरह आपको समझा दिया, अपने परिवार की तरह, कोई ऑफिशियल स्टाइल में नहीं बात करके, नॉर्मल लोकल स्टाइल में आपको बात करके समझा दिया। अब इससे अच्छा आपको बेहतर कोई समझाए तो अच्छी बात है, लेकिन ये जो है मेरा पूरा डिटेल आपको बता दिया हूँ, और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और आप अभी से होशियार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई, ये मैं चाहता हूँ। ठीक है, फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, तो जैसे में होता है आप उसको शेयर कीजिए फटाफट अपने दोस्त यारों में, उन तक ये बात पहुँचे और वो जाने, और किसी की कोई परेशानी में फंसने से, अपने पैसे को बर्बाद करने से बच जाए। ठीक है, तीन वीडियो देख के बहुत से लोगों को मेरे ऊपर बुरा भी लगेगा, लेकिन भाई एक बात जानता हूँ कि भाई आप 2 पैसा कमाने के लिए किसी का बुरा मत कीजिए। ठीक है, पैसे आदमी बहुत कमा लेते हैं, लेकिन कोई बंदा तकलीफ में पड़ जाता है अपना जान और माल ख़त्म करने के बाद, तो बहुत ही देखने में सबसे इंसानियत नहीं है वो, सबसे बड़ी बात चीज़ कोई इंसानियत नहीं है। हम पैसे कमाने के लालच में किसी को फंसा दे तो वैसे बहुत गलत बात है। जो है, जो भी एजेंट वगैरह काम करते हैं, जो भी रियल है, वो बात करके उनसे बात कीजिए, उनको बात करके उनको बुलाइए, जो सैलरी 700 कंपनी दे रही है, 800 कंपनी दे रही है, 900 का दे रही है, वही बताइए उनको। तो इससे क्या होता है कि अपना लाइन का तरीका भी बना रहता है सही, और आपका भी इज्जत रहेगा, जिनको पसंद रहेगा आएंगे, जिनको पसंद रहेगा नहीं आएंगे। ठीक है ना, किसी को दिल को दुखाने के लिए वीडियो मैंने नहीं बनाया हूँ, मैं सिर्फ पूर्ण अपने व्यूअर्स के लिए बनाया वीडियो, जो उनके डिमांड में डिमांड कर रहे थे, और उनकी उनके जानो माल की हिफाजत जहाँ तक मेरे से हो सकेगा मैं अपने तरीके से उनको करने की कोशिश करूँगा। यही मेरा मोटिवेशन है कि भाई कि मैं ना किसी का नुकसान करूँ, और ना किसी का नुकसान होने से अगर मुझसे हो सकते तो मैं उनके लिए कुछ मदद कर दूँ। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अगर वीडियो पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, और जो चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए, कि जो भी बेल आइकन दबाने से आपको ये फ़ायदा होगा कि हमारी जो भी वीडियो जाएगी फ्यूचर में लेटेस्ट वो आपको मिल जाएगी। ठीक है ना दोस्त, फिर मिलेंगे हम नई वीडियो नई वीकेंड के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।